आज हम बात करेंगे एक्ने, जिसे हम कॉमनली मुहासे भी कहते हैं। अब एक्ने क्या है? एक्ने बेसिकली आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं या आपके पाइलोसेबेशियस ग्लैंड जो आपके फेस की होते हैं, उसके इन्फ्लेमेशन को हम एक्ने या मुहासे कहते हैं। जब एक्ने होता है उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। मोस्ट कॉमनली आपके प्यूबर्टी के टाइम पर आपको ये फर्स्ट दिक्कत आता है। अब मैं जब प्यूबर्टी की बात करती हूँ तो ये आपके लगभग 12 साल से आपको दिक्कत आता है, और जैसे जैसे एज आपकी इंक्रीज होती है ये ज्यादा दिक्कत आते हैं इन कंडीशंस, अगर आपके पास अंडरलाइनिंग कोई डिजीजेस या ये हो। सेकेंडली होता है एक एडल्ट एक्ने स्पेक्ट्रम होता है इसमें, जो आपको अराउंड 30 के बाद दिक्कत आता है। फर्स्ट टाइम जब आपको एक्ने फ्लेयर अप होता है तब आपको 30 इयर्स के टाइम पर फर्स्ट एक्ने दिक्कत आता है। तो ये दो प्रकार के एक्ने हम देखते हैं कॉमनली। अब एक्ने इज नॉट ओनली ऑन द फेस, ये आपको एक्ने हम चेस्ट पर दिक्कत आता है लोगों को, ट्रंक पर दिक्कत आता है, ट्रंक बेसिकली आपका बैक हो गया, और आपके अपर आर्म्स में दिक्कत आता है। तो ये 3 बॉडी सर्फेस एरियाज है जहां पर हम कॉमनली एक्ने को देखते हैं। जब मुहासे के कॉजेस की बात की जाए तो उसमें हम फर्स्ट आपके प्यूबर्टी मतलब आपके हॉर्मोन्स के लेवल्स की बात की जाए, तो जैसे ही आपके हॉर्मोन्स इंक्रीज रहते हैं बॉडी में जो प्यूबर्टी के टाइम आपको दिक्कत आते हैं, तब आपको फर्स्ट फ्लेयर अप अगर आपको एक्ने के है चांसेस तो तब दिक्कत आएंगे। सेकेंडली जब आपको अगर आप स्पेक्ट्रम या पीसीओएस के पेशेंट है तब आपको एक्ने तब दिक्कत आता है, और थर्डली जब जिसको हम एडल्ट एक्ने के कंसिडरेशन में करते हैं, जब आपके आपका लाइफस्टाइल चेंजेस, आपके स्ट्रेसफुल पीरियड, आपके मेडिसिंस के वजह से तब दिक्कत आते हैं। तो ये 3 मोस्ट कॉमनली साइंस होते हैं जब आपको एक्ने दिक्कत आते हैं, और कॉजेज है इसके बेसिकली। जब एक्ने के प्रकार की बात की जाए तो उसमें 3 मेजर वाले होते हैं। एक होते हैं जिसको हम ब्लैक हेड्स जिसको कहते हैं, जो कोमेडॉन्स के एक प्रकार होते हैं, एक व्हाइट हेड्स होता है, और एक थर्ड होता है जिसे हम इन्फ्लेमेटरी एक्ने कहते हैं। जो आपके कोमेडॉन्स व्हाइट हेड्स जिसको हम बोलते हैं या ब्लैक हेड्स बोलते हैं, वो कोमेडॉनल स्टेज पर होता है। जब व्हाइट हेड्स होते हैं वो बहुत सारे पेशेंट्स में वो जाकर इन्फ्लेमेटरी एक्ने में होता है। जो ब्लैक हेड्स होता है वो नॉर्मली आप एक ब्लैक स्पॉट की तरह आपके नोज पर देखे जा सकते हैं, आपके चीक्स पर दिखते हैं। तो ये कॉमन साइट्स है कोमेडॉन इसके एक्ने के। अब कोई लोगों को व्हाइट हेड्स होते हैं जो सिर्फ एक पैपुलर लीजन्स की तरह जो इन डेप्थ स्किन में दिखकर आता है, जिसकी वजह से सर्फिस में आपको ऐसे लगता है कि बहुत सारे ऐसे मुहासे है। और आपका थर्ड, जब हम इन्फ्लेमेटरी एक्ने की बात करते हैं तो इन्फ्लेमेटरी एक्ने आपको बहुत सारे पेशेंट्स उसको घाट जो बोलते हैं एकदम नोड्यूल्स की तरह आपको दिक्कत आता है आपके फेस पर या चीक एरिया पर, कॉमनली बायलैटरली चीक्स पर दिक्कत आता है, नोज पर दिक्कत आता है, और चिन इस सर्फिस पर दिक्कत आते हैं। मुहासे आपको जब दिखने लगते हैं तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक छोटे क्लोज कोमेडॉन्स जिसको बोलते हैं ब्लैक हेड्स, या फिर सेकेंडली जो ओपन कोमेडॉन्स जिसको हम व्हाइट हेड्स कहते हैं वो दिक्कत आते हैं, तो फिर उसको हम क्लोज्ड या ओपन कोमेडॉन्स ये 2 चीजों से बोलते हैं। और सिंपल भाषा में बोली जाए तो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स दिक्कत आते हैं, ये इनके 2 प्रकार है। तीसरा जो हम देखते हैं मोस्ट कॉमनली जो सीवियर एक्ने में, और जिसमें हमको रेड अलर्ट में जाना पड़ता है जब आपको बहुत ज्यादा सीवियर इन्फ्लेमेटरी एक्ने जिसमें आपको स्वेलिंग दिक्कत आए या आपको ऐसे लगे कि वो स्वेलिंग बहुत डीप है स्किन में, वो हम जिसको हम नोड्यूलर सिस्टिक एक्ने के नाम से जाना जाता है। ये जब ये वाले आप स्टेज पर पहुंचते तब हम उसे सीवियर एक्ने कहते हैं। तो एक होता है कोमेडॉनल स्टेज और एक होता है इन्फ्लेमेटरी स्टेज। फर्स्ट जब आपने लीजन देखा, जब आप प्यूबर्टी स्टेज पर आप आते हैं तो बहुत सारे एक्ने सेल्फ लिमिटिंग होते हैं काफी पेशेंट्स के लिए, बट काफी पेशेंट्स के लिए वो इतने सेल्फ लिमिटिंग स्टेज से बाहर जाकर काफी सीवियर एक्ने जिसको बोलते हैं, जहां पर उनको इन्फ्लेमेशन दिखकर आता है फेस पर, रेडनेस दिखकर आता है, उनके स्टेन्स रह जाते हैं फेस पर, और हर 2 दिन में एक दिखकर आना या फिर पेनफुल को हम इन्फ्लेमेटरी एक्ने कहते हैं। जब वो स्टेज पर आता है तब आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, रीजन बीइंग क्योंकि जब आप सीवियर एक्ने से सफर करते हैं तब आपको उससे स्कारिंग होने की ज्यादा चांसेस होते हैं,
और स्कारिंग का मतलब ये है कि जब आप स्कार्स लेते हैं, जब आपको एक एक हर नोड्यूलर सिस्टिक एक्ने जब आपके स्किन में फॉर्म होता है, उतना ही डबल रिस्क होता है उसको एक स्कार फॉर्मेशन बनना। और जब स्कार की तरफ हम जाने लगते हैं तो वो एक बहुत ही रेड अलर्ट स्टेज पर आते हैं, क्योंकि उसे हमें ट्रीट करने के लिए इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, जैसे लेजर्स हो गए आपके, केमिकल पीलिंग हो गया, क्योंकि वो रीसर्फिसिंग की तरफ चला जाता है। तो जब भी आपको जैसे लगता है कि आपके एक्ने अब कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, या आपको दाग रह रहे हैं उसके वजह से, या आपको उसके वजह से स्कारिंग हो रहा है, या आपकी उसकी वजह से पर्सनैलिटी आपकी अफेक्ट हो रही है, तब एक डर्मेट के पास जाना आपका, इट इज इम्पोर्टेंट टू गो विजिट अ डर्मेट एट दैट। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा डाइट है, रीजन बीइंग कि जैसे ही हम ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जिसको हम कहते हैं, जब आपके ऑयली फूड्स हो गए या आपके जंक फूड हो गए, तो उसमें बेसिकली इंसुलिन फैक्टर इंक्रीज होता है आपके बॉडी का, और जब इंसुलिन फैक्टर इंक्रीज होता है तब सीबम प्रोडक्शन उससे इंक्रीज होता है। अब जब सीबम प्रोडक्शन आपको ऑयली फेस में आप देखते हैं, तो जब आपके वो पोर्स को क्लॉक करता है एंड देन इट लीड्स टू एक्ने। तो जब ये वाले चीजों में आप डाइटरी चेंजेस करते हैं, जैसे आपने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आपका ज्यादा इंक्रीज हो गया या आपके डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो गए, तब आपको एक्ने सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने के चांसेस उसमें रहते हैं। सेकेंडली, जब आप हमारे पास जैसे एक डर्मेट के पास आप आते हैं, तब हम आपको डिपेंडिंग कि कितना एक्सटेंड है आपके एक्ने का, वो बहुत सारे एक्ने अब जब कोमेडोन स्टेज पर आते हैं और जब वन ऑफ फ्यू इंफ्लेमेटरी एक्ने होते हैं, तब हम टॉपिकल एप्लीकेशन से उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। बट जब आपको इंफ्लेमेटरी या सीवियर एक्ने, जहां पर आपको नोड्यूलर सिस्टिक एक्ने जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम पर हमें थोड़ी ओरल मेडिकेशन शुरू करने पड़ते हैं, और फास्टर रिजल्ट, बेटर रिजल्ट्स के लिए एंड स्कारिंग लेस कंसिडर करने के लिए हमें आगे के जैसे आइसोट्रेटिनोइन, जिसको कॉमनली आजकल हम यूज करते हैं, वो यूज करना पड़ता है सीवियर एक्ने के पेशेंट। सो डिपेंडिंग आपका एक्ने किस स्टेज पर है और आप किस स्टेज पर एक डर्मेट के पास जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट वो ट्रीटमेंट्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है आपको। एक्ने अवॉइड घर से शुरुआत करें तो आपके मेजरली आपके डाइट से कंट्रोल कर सकते हो आप। डाइट के हिसाब से जैसे हमारे जंक फूड, जैसे हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स में कंसिडर करते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस है जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में अपार्ट फ्रॉम जंक फूड भी आते हैं, जब उसके कंटेंट हम कम करें, जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करें, जब हम अपने हॉर्मोन्स पर ध्यान दें, जब हम उसे इसको रेगुलराइज करें, तो एक्ने में चेंजेस दिखकर आते हैं। जब आपके डेयरी प्रोडक्ट्स कम हो सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स मैं आपके एक ग्लास दूध की बात नहीं कर रही, मैं आपके चॉकलेट्स की बात कर रही हूँ, आपके कोको प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, तो ये जब आपका इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन, आपके पास स्ट्रेसफुल था, आपने बिंज ईटिंग कर लिया कोई भी रीजन से, तो उसके बाद जब आपको वो एक्ने फ्लेयर अप दिखता है, वो आप खुद घर पर खुद से आपके खुद के डाइट से चेंजेस कर सकते हो। सेकेंडली, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज से आपका हॉर्मोनल चेंजेस दिखकर आता है, एक बेसिकली आपको ऑयल प्रोडक्शन में हेल्प करता है बिकॉज वो इंसुलिन फैक्टर्स पर अफेक्ट करता है, तो ये आपके एक्सरसाइज की पार्ट हो गई। थर्ड, जो मैं हमेशा हर पेशेंट को कहती हूँ कि अगर आपको एक्ने है तो आप प्लीज उसके साथ फिजिट मत करिए। फिजिट हैज इन आप जाकर उसे पार्लर में जाकर कोमेडोन एक्सट्रैक्ट मत करिए, उसे घर पर जाकर पिंच मत करिए, क्योंकि जब आप वो करते हैं आप और स्कारिंग करते हैं, आप एक्ने को फ्लेयर अप करने में उसकी हेल्प करते हैं, क्योंकि आप जितना उसे एक्सप्रेस करते हैं उतना बैक्टीरियल ग्रोथ और इंक्रीज होता है, उतने पोर्स ओपन अप होते हैं और उतना चांसेस आपके स्कारिंग के लिए भी होता है। और इसी चीज में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि प्लीज, बहुत सारे टॉपिकल मेडिकेशंस अवेलेबल है, और आप टॉपिकल मेडिकेशन जब आप सोशल मीडिया में पढ़ते हैं कि रेटिनॉल यूज कर ले या फिर आप एक्स वाई जेड सीरम यूज कर ले, बहुत सारे सीरम्स आ गए जो इजीली आपको विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन मिलते हैं, उससे आप और इरिटेशन और हानि पहुंचाते हैं अपने स्किन को, क्योंकि जो हमारा स्किन बैरियर फंक्शन होता है उससे मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्ने में, क्योंकि जैसे ही आपका स्किन बैरियर फंक्शन डिस्टर्ब होता है,
एक्ने फ्लेयर अप के चांसेस और इंक्रीज होते हैं विथ स्किन इरिटेशन के चांसेस, जिसे हम डर्माटाइटिस भी बोलते हैं। तो जितना आप सेल्फ मेडिकेट ना करें उतना बेटर है, और जितना आप अगर आप ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ता है पेशेंट्स में कि हम फर्स्ट थिंग जब आप किसी के सामने जाते हैं वो आपका फेस दिख कर आता है, आपका स्किन दिख कर आता है, बट सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट गोइंग टू क्योर इट। आपको पहले जाकर आपका कॉज आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है, आपका डाइट आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है, क्या चेंजेस कर सकते हैं, मेडिकेशंस में क्या हेल्प कर सकता है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यही चेंजेस हेल्प करता है लॉन्गर टर्म। आजकल जब होम रेमेडीज की बात करें तो सबसे कॉमनली आपके बेसन हो गए, आपके टर्मरिक हो गया, आपका कर्ड हो गया, पता नहीं और क्या क्या चीजें लगाते, वो कैसे ट्रीट करेगा किसी भी इंसान को? रीजन बीइंग क्योंकि वो उससे और एक्ने इंक्रीज करने के चांसेस हो गए उसमें। तो होम रेमेडीज में तो अपार्ट फ्रॉम डाइट में तो किसी भी चीज पर कमेंट नहीं करना चाहूंगी, और सिर्फ ये कहूंगी कि होम रेमेडीज में अगर आपको करना है तो सिर्फ आपकी किचन के स्टफ पर जो आप खाना बना रहे हैं उसमें कितना आप कम ऑयल यूज करें, कितना हेल्दी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, वो आपका बेस्ट होम रेमेडी है। बट टॉपिकली कुछ भी मत लगाइए, कोई भी बेसन दही टमाटोज हेल्प नहीं करेगा, और आपको सिर्फ उससे इरिटेशन ड्राइनेस एक्सवाइजेड और इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। जब आप एक्ने की बात करते हैं तो जब जैसे आपको प्यूबर्टी स्टेज पर जब एक्ने शुरू होता है, और जब फर्स्ट टाइम पेशेंट मेरे पास 12 या 13 साल के टाइम पर आता है, तब मैं उनको कहती हूँ कि एक्ने इज नॉट क्यूरेबल, इट कैन बी ओनली प्रिवेंटेड टू अ स्टेज वेयर इट डजंट कॉज सो मच ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। रीजन बीइंग क्योंकि आपके हार्मोनल लेवल्स आपके बॉडी में या आपका सीबम जिसको कहते हैं वो कभी भी किसी भी स्टेज पर इंक्रीज या डिक्रीज और उस पर अफेक्ट हो सकता है। बट आप एवरी टाइम आपको एक मुहासे आ जाए या दो एक्ने आ जाए, आपको एक डर्मेट के पास आने की जरूरत नहीं रहती है। तो उसे हम कंट्रोल कैसे करें, उसे आगे प्रिवेंशन में कैसे लेकर आए, ये हम आपको नॉलेज से आपको बताते हैं और आपको प्रिवेंट कर सकते हो आप उसे बेसिकली, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल।